केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार हम समांतर माध्य की गणना विभिन्न श्रेणियों में करते हैं और सभी श्रेणियों में समांतर माध्य की गणना करने के लिए हम कुछ अलग अलग विधियों अलग अलग फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं। समांतर माध्य की गणना के बाद अब आइए देखते हैं कि माध्यिका की गणना किस प्रकार की जाती है। माध्यिका की गणना भी ठीक समांतर माध्य की तरह तीनों श्रेणियों में ही की जाती है। वास्तव में माध्यिका है क्या? अगर हम माध्यिका के बारे में जानें तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप के अंतर्गत हमने देखा कि संख्याओं की जो अभिवृत्ति है वो कहीं ना कहीं केंद्रीकृत होने की जुड़ाव या जमाव की एक स्थिति बनी रहती है, वैसे ही उन्हीं सभी श्रेणियों में माध्यिका एक ऐसा मूल्य होता है जो उन सभी समंक मालाओं के बीचों बीच स्थित होता है, यानी कि उसके दाईं ओर बहुत सी संख्याएं होती हैं और बाईं ओर बहुत सी संख्याएं होती हैं। देखा जाए तो ये दोनों ही ओर जो संख्याएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं और माध्यिका जो होता है वो उसके बीच का मूल्य होता है, इसलिए कई बार इसे केंद्रीय मूल्य भी कहा जाता है। तो माध्यिका के बारे में अगर हम जानते हैं तो ये कह सकते हैं कि माध्यिका किसी समंक श्रेणी का वह मूल्य है जो उस पूरी समंक माला के बीचों बीच स्थित होने की जिसकी प्रवृत्ति रहती है। एक उदाहरण से अगर हम देखें तो मान लीजिए जैसे एक कक्षा में 5 छात्र हैं और उन छात्रों के जो प्राप्तांक है वो 12, 15, 17, 20, 22 कुछ इस तरह से हैं। इन प्राप्तांकों को अगर हमको माध्यिका में व्यवस्थित करना है, माध्यिका हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको इन प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है 12, 15, 17, 20 और 22 ये ऑलरेडी आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो इसमें से अगर हम बीच की संख्या निकालना चाहें तो हम देखते हैं कि हम एक तरफ से 12 और 15 को छोड़ दें और पीछे हम 20 और 22 को छोड़ दें तो बीचों बीच की जो संख्या है 17 उसे हम माध्यिका कहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो श्रेणियाँ ये जो संख्याएँ हैं ये अव्यवस्थित से हों, जैसे एक उदाहरण के लिए 5, 7, 9, 4, 3 कुछ ऐसी अगर अव्यवस्थित से संख्याएं हैं तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हमको इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना होगा। जैसे इस उदाहरण में हम इसको 3, 4, 5, 7 और 9 इस प्रकार से आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और इसके एक और दो बराबर संख्या यानी 3 और 4 को छोड़ देते हैं। आखिरी में दो बराबर संख्या 7 और 9 को अगर छोड़ देते हैं तो बीचों बीच की जो संख्या है 5 वो हमको माध्यिका के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये तो थी व्यक्तिगत श्रेणियों में माध्यिका क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम श्रेणियों को व्यवस्थित करते हैं। वास्तव में माध्यिका के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ परिभाषाओं के द्वारा। क्रॉक्सन एवं काउडेन के अनुसार माध्यिका वह मूल्य है जो एक श्रेणी को इस प्रकार विभाजित करता है ताकि आधे या अधिक मत इस मूल्य के बराबर या कम हो तथा आधे या अधिक मत इस मूल्य के बराबर या अधिक हो। सेक्रिस्ट के अनुसार माध्यिका किसी समंक माला का अनुमानित या वास्तविक उस मद का मूल्य होता है जो कि उस वितरण को क्रमबद्ध किए जाने पर दो भागों में विभक्त करता है। तो आपने देखा कि दोनों ही परिभाषाओं में माध्यिका के लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि एक श्रेणी का वो ऐसा पदमूल्य होता है जो वास्तव में श्रेणी को दो भागों में, जैसे कि हमने उदाहरण में भी देखा था कि श्रेणी को दो भागों में वो विभाजित कर देता है और प्रयास ये रहता है कि दोनों ही तरफ समान मूल्य हो, मतलब बराबर की संख्याएं हो, चाहे एक ओर माध्यिका मूल्य से छोटी संख्याएं हो और दूसरी ओर माध्यिका मूल्य से बड़ी संख्याएं हो, लेकिन प्रयास ये रहता है कि लगभग बीचों बीच हो और दोनों ओर बराबर संख्याएं हो। तो जिस तरह हमने समांतर माध्य को देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना की जाती है, ठीक उसी तरह माध्यिका की गणना भी तीनों ही श्रेणियों में की जाएगी।
सबसे पहले आइए देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना किस प्रकार की जाएगी। व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में हम बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत पद मूल्य जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल के लिए होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, इनका फ्रिक्वेंसी से किसी प्रकार की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, इस तरह से ये पद मूल्य दिए हुए होते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जब हमको माध्यिका की गणना करनी होती है तो हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 साइज। यहाँ n नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है आवृत्तियों की, जो कुल जो आवृत्तियाँ हैं, जैसे कि हम समांतर माध्य में लेते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जब हम n प्लस 1 करेंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो माध्यिका का वह पद मूल्य होगा जिसके आधार पर हम माध्यिका की गणना या माध्यिका क्या है ये हम प्रदर्शित कर पाएंगे। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न दिया गया है जिसमें पद मूल्य 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10, 38 एवं 12 है। इसके आधार पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस पूरी संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करके हम इसे दो कॉलम में विभाजित कर देंगे। पहले कॉलम में हम क्रम संख्या लिखेंगे और दूसरे कॉलम में पद मूल्य। क्रम संख्या 1 से 9 तक हम अंकित कर लेंगे पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में जब हम आरोही क्रम के आधार पर पद मूल्य लिखेंगे तो ये पद मूल्य 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 38 और 45 हो जाएंगे। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 स्टेप। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रम की संख्या यानी कि n बराबर 9 है, यानी कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 9 धन 1 बटे 2 यानी 10 बटे 2 यानी पांचवा पद। इस तालिका में हम देख रहे हैं कि जो क्रम संख्या के आधार पर पांचवा जो माध्यिका पद है वो 18 है, यानी कि यहाँ पर माध्यिका 18 होगी। ठीक इसी तरह से हम इस पद मूल्य को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके भी बना सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी में बहुत ही आसानी से एक फॉर्मूले के द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हमको m की वैल्यू मिली वो पूर्ण संख्याओं में थी। जैसे पांचवा पद जो था वो हमने आसानी से देखा और हमें पता चल गया कि माध्यिका का मूल्य क्या होगा, लेकिन अगर ये संख्या हमको दशमलव में मिलती, जैसे हो सकता है ये जो n की जो वैल्यू है अगर वो 10 होती और वहाँ पर हम n प्लस 1 करते समय 10 प्लस 1 करके 11 डिवाइडेड बाई 2 करते तो जो वैल्यू हमको मिलती m की वो 5.5 मिलती। अब 5.5 मिलने पर हम किस स्टेप में कैसे माध्यिका के मूल्य का चयन करेंगे? तो ऐसी दशा में जब हमको माध्यिका की वैल्यू पॉइंट में मिलती है, एक उदाहरण के तौर पर 5.5 अगर हमारी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 5.5 है ये एक्चुअली दो मूल्यों के बीच में है, फिफ्थ वैल्यू और सिक्स वैल्यू के ये बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हम मीडियन वैल्यू निकालने के लिए फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और जो भी उस स्टेप की फिफ्थ और सिक्स वैल्यू होगी दोनों को हम जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करके फिर हम माध्यिका की गणना करेंगे। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न में पद मूल्य 71, 72, 64, 68, 70, 76, 73 और 75 दिए हुए हैं। यहाँ पर माध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले हम इन पद मूल्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। दो कॉलम का निर्माण हम यहाँ करेंगे। पहले कॉलम में हमने यहाँ पर क्रम संख्या लिख ली है 1 से लेकर 8 तक। दूसरे कॉलम में हम पद मूल्यों को आरोही क्रम में लिखेंगे 64, 68, 70, 71
72, 73, 75 और 76। यहाँ पर हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 स्टेप। यहाँ हम देख रहे हैं कि n हमारा 8 है। फॉर्मूले में रखने पर 8 धन 1 बटे 2 यानी 9 बटे 2 यानी 4.5 वा आकार। अब यहां पर क्योंकि पदों का आकार दशमलव में आया है, इसलिए m निकालने के लिए हम चौथे पद का मूल्य धन पांचवें पद का मूल्य बटे 2 करेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि चौथे पद का मूल्य 71 है, पांचवें पद का मूल्य 72 है, बटे 2 यानी 143 बटे 2, तो 4.5वें पद का मूल्य 71.5, ये हमारा मीडियन कहलाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार दोनों ही स्थितियों में जब m की वैल्यू ऑड मिले या फिर जब m की वैल्यू इवन मिले, दोनों ही कंडीशन में किस प्रकार हम माध्यिका की गणना कर पाते हैं। अब दूसरी श्रेणी यानी कि खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना किस प्रकार की जाएगी देखते हैं। खंडित श्रेणी में जैसे कि हमने समांतर माध्यिक में भी देखा कि एक नया जो पॉइंट जुड़ता है वो है फ्रिक्वेंसी का, आवृत्ति का एक नया पॉइंट जुड़ जाता है। यहाँ पर हमारे कॉलम होते हैं वो x के साथ साथ f को भी शामिल कर लेते हैं। इस कंडीशन में भी जब हम माध्यिका की गणना करते हैं तो फॉर्मूला हमारा सेम रहता है यानी कि n प्लस 1 अपॉन टूथ साइज या आइटम। तो यहाँ पर जब हम n प्लस 1 अपॉन टूथ साइज कैलकुलेट कर लेते हैं तो साथ में हमको ज़रूरत पड़ती है CF की यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम F से CF यानी कि संचयी आवृत्ति कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल लेते हैं और उसके बाद इस फॉर्मूले के आधार पर हम पूरे माध्यिका की गणना कर पाते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना करने के लिए प्रश्न है, आकार दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 7, साथ ही परिवारों की संख्या दी गई है 2, 3, 9, 21, 11 और 5। इस तालिका को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित है। इसे हम सारणीबद्ध कर लेंगे। सबसे पहले आकार दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 7, परिवारों की संख्या दी गई है 2, 3, 9, 21, 11 और 5। क्योंकि खंडित श्रेणी का प्रश्न है इसलिए इसके बाद हम CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति निकाल लेंगे, परिवारों की संख्या यानी कि F इसके आधार पर निकालेंगे CF आ जाएगा 2, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 धन 9 14, 14 धन 21 35, 35 धन 11 46 और 46 धन 5 51। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n बराबर 51 है। m निकालने के लिए हम करेंगे m बराबर पद आकार n धन 1 बटे 2। पद आकार क्योंकि यहाँ पर हम निकालने के लिए n जो है वो 51 हमने ज्ञात कर लिया है, तो 51 धन 1 बटे 2 यानी 52 बटे 2 यानी पद का आकार होगा 26वां पद। अब चूंकि 26वां पद हमने प्राप्त कर लिया है तो हम देखेंगे कि ये जो 26वां पद है ये किस संचयी आवृत्ति में सबसे पहले सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 35 जो है संचयी आवृत्ति का जो नंबर 35 है उसमें ये आता है 26वां पद सबसे पहले। तो इसके सामने का जो आकार है, इसके जस्ट सामने का आकार अगर हम देखते हैं तो 5 जो है वो माध्यिका कहलाएगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना की जाती है। अब आइए देखते हैं कि अगर सतत श्रेणी है तो सतत श्रेणी में किस प्रकार माध्यिका की गणना करेंगे। सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसके आधार पर CF कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम n अपॉन टूथ आइटम फॉर्मूला लगा सकते हैं
या कंडीशन पे डिपेंड करता है कि n जो है वो ऑड है या इवन है, हम n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सतत श्रेणी में क्योंकि वर्गांतर दिए रहते हैं, इसलिए व्यक्तिगत और खंडित की अपेक्षा यहाँ पर हम मीडियन के लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो थोड़ा सा बदल जाएगा। आइए देखते हैं कौन से फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमने क्योंकि स्मॉल m निकाल लिया है, मीडियन क्लास हमने निकाल लिया है किस फॉर्मूले के द्वारा, n अपॉन टूथ आइटम या फिर n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम के द्वारा हमने निकाल लिया है। अब जब हम मीडियन निकालेंगे तो क्योंकि हमको मीडियन क्लास मिल गई है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। इस पूरे फॉर्मूले में m जो होगा वो हमारा माध्यिका मीडियन होगा हमारा, स्मॉल m हमने कैलकुलेट कर लिया है n अपॉन टू आइटम के द्वारा, l1 जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, l2 जो है वो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है क्योंकि मीडियन क्लास हमने पहले से ज्ञात कर ली है, f यानी कि यहाँ पर हम जिस फ्रिक्वेंसी का प्रयोग कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो फ्रिक्वेंसी है जो मीडियन क्लास के सामने है, C का यहाँ पर हम जो प्रयोग कर रहे हैं CF का एक्चुअली वो वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो मीडियन क्लास के सामने है। तो इस पूरे फॉर्मूले के आधार पर हम मीडियन के कैलकुलेशन करेंगे। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सतत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्गांतर युक्त सारणी दी हुई है, वर्गांतर है और छात्रों की संख्या यानी कि f दी गई है। टेबल जब हम बनाएंगे तो पहले कॉलम में हम वर्गों को लिख लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। आवृत्ति हम यहाँ पर अंकित कर लेंगे 4, 9, 6, 13, 27, 21, 12 और 8। आवृत्तियों को जब हम जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि n बराबर 100 प्राप्त होता है। इसके आधार पर हम संचयी आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। संचयी आवृत्ति हो जाएगी हमारी 4, 4 धन 9 13, 13 धन 6 19, 19 धन 13 32, 32 धन 27 59, 59 धन 21 80, 80 धन 12 92 और 92 धन 8 100। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं m इक्वल टू n अपॉन टू स्टेप, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पद आकार 100 बटे 2 यानी कि 50 हमको प्राप्त होता है। अब 50 पद आकार जो है वो संचयी आवृत्ति 59 में सबसे पहले आता है। इसके आधार पर हम ये ज्ञात कर लेंगे कि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी, तो यहाँ पर 59 के आधार पर, जो 59 हमारा माध्यिका पद है उसके आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे एल वन यानी कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा एल वन बराबर 40, एल टू 50, एफ 27, एम 50 जो हमने कैलकुलेट किया है और सी मतलब माध्यिका पद जो हमने ज्ञात किया है उसके ऊपर की, उसके एक ऊपर की जो संचयी आवृत्ति होती है उसे हम सी कहते हैं। तो ये पूरे फॉर्मूले में रखने के लिए हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। अब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे m इक्वल टू 40 धन l2 माइनस l1 मतलब 50 माइनस 40 बटे f यानी कि 27 इंटू एम माइनस सी यानी 50 माइनस 32। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमको 46.67 जो आंसर है वो प्राप्त होता है। माध्यिका के गणना हम वैसे तो व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित यानी कि सतत तीनों ही श्रेणियों में बहुत आसानी से कर सकते हैं। कई बार इन तीनों श्रेणियों से हटकर कुछ नई श्रेणियां हमको प्राप्त होती हैं, वहां पर हम किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे माध्यिका की गणना,
जैसे मान लीजिए कि समावेशी श्रेणी का कोई प्रश्न है, तो जैसे कि हमने समांतर माध्य में देखा था कि समावेशी श्रेणी को पहले हम अपवर्जी में परिवर्तित कर लेंगे और उसके बाद हम माध्यिका की गणना प्रारंभ करेंगे। आइए एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार समावेशी श्रेणी में अगर श्रृंखलाएं दी गई हैं तो उनके आधार पर हम माध्यिका की गणना करेंगे। समावेशी श्रेणी में माध्यिका की गणना करने के लिए प्रश्न है, मजदूरी दी गई है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59। श्रमिकों की संख्या दी गई है 4, 6, 10, 8 और 7। यहाँ पद मूल्य पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित है। हम समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने के लिए वर्ग अंतराल की सीमा में 0.5 को एक बार घटाएंगे और एक बार 0.5 को जोड़ेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि मजदूरी की जो वर्गांतर दिए गए हैं उनमें 19 से 20, 29 से 30, 39 से 40 और 59 से 50 के बीच एक एक का डिफरेंस है, जिसे हम आधा कर लेंगे, यानी कि हम एक का आधा कर लेंगे तो 0.5 हमें मिल जाएगा। यही वो 0.5 है जिसको हमको वर्गांतर की निम्न सीमा में एक बार घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है। तो हमको जो नया वर्गांतर मिलेगा वो मिल जाएगा 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5 और 49.5 से 59.5। श्रमिकों की संख्या दी गई है 4, 6, 10, 8 और 7। इसके आधार पर हम संचयी आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। 4, 6 और 4, 10, 10 और 10, 20, 20 धन 8, 28 और 28 धन 7, 35। इस प्रकार हमने n भी यहाँ पर ज्ञात कर लिया है 35। अब हम जब m निकालेंगे, पद आकार जब हम निकालेंगे तो हम देखते हैं कि n/2 यानी कि 35/2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 17.5वां पद हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब अगर 17.5वें पद की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि ये संचयी आवृत्ति 20 में सबसे पहले सम्मिलित होता है, तो संचयी आवृत्ति 20 जो है उसके आधार पर हम अपने फॉर्मूले के जो मान है वो हम ज्ञात कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर m = L1 + L2 - L1/F (m - c). अब क्योंकि 17.5वां पद संचयी आवृत्ति 20 में सबसे पहले हमको प्राप्त होता है, तो इस आधार पर हमारी जो मीडियन क्लास होगी, माध्यिका वर्ग हमारा जो होगा वो होगा 29.5 से 39.5, यानी L1 होगा हमारा 29.5, L2 होगा 39.5, F जो होगा वो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 होगी और C जो होगी वो इसके एक पहले की संचयी आवृत्ति यानी कि 10। इस तरह से हम देखते हैं कि m बराबर 29.5 धन 39.5 माइनस 29.5 बटे 10 गुणित 17.5 माइनस 10। इसे जब हम हल करेंगे तो हम देखते हैं कि 29.5 धन 10 बटे 10 गुणित 7.5। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 29.5 धन 75/10 और अगले स्टेप में ये हो जाएगा 29.5 धन 7.5, यानी कि 37 जो है वो माध्यिका मजदूरी का मूल्य हमने ज्ञात कर लिया है। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में परिवर्तित करके बहुत आसानी से माध्यिका की गणना कर सकते हैं। अब एक ये कंडीशन जब मध्य मूल्य दिया हो, अगर वर्गांतर बनाकर नहीं दिए गए हैं लेकिन मध्य मूल्य दिए गए हैं। हमने सतत श्रेणी में देखा कि वर्गांतर दिए रहते हैं और उनको हम किस प्रकार से L1 + L2/2 करके फॉर्मूला लगाकर हम मिड वैल्यूज के निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति है वो विपरीत है। मध्य मूल्य दिया हुआ है और हमको निकालना है माध्यिका, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मध्य मूल्य कि जो ये नंबर्स हैं आपके सामने, इसमें हम डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने 5, 15, 25, 35,
इनमें हम डिफरेंसेस देखते हैं कि कितने के डिफरेंस हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10-10 का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम कर देते हैं हाफ, यानी कि 10 / 2, तो हमको मिल जाता है 5। जो भी मिलता है उसको हम इन्हीं नंबरों में एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। जैसे 5 हमको आंसर मिला है, तो 5 को हम पहले 5 में माइनस करेंगे और फिर हम 5 में प्लस कर देंगे, तो ये हमारा एक वर्ग बन जाएगा 0 to 10। नेक्स्ट स्टेप में 15 में हम इसी 5 को एक बार माइनस करेंगे, फिर एक बार प्लस करेंगे, तो ये हमको हमारा वर्गांतर मिल जाएगा 10 to 15। आइए इस पूरी श्रेणी को किस तरह से परिवर्तित किया जाता है वर्गांतरों में और फिर किस फॉर्मूले के द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है, इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मिड वैल्यू के आधार पर जब हम माध्यिका की गणना करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रश्न में मध्य मूल्य में 5, 15, 25, 35, 45 और 55 दिया गया है, जिनमें समान अंतर यानी कि 10-10 का जो है वो अंतर है। इसमें 10 को जब हम आधा करेंगे तो 5 हमको प्राप्त होता है, इसी 5 को एक बार हम इस मध्य मूल्य में घटाएंगे और फिर एक बार जोड़ेंगे तो हमको आकार प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहला मध्य मूल्य है हमारा 5, जब इसमें 5 घटाएंगे तो 0 और जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो 10, तो हमारा पहला जो आकार है वो हो जाएगा 0 से 10। दूसरा हमारा मध्य मूल्य 15 है, जब इस 15 में हम 5 घटाएंगे तो हमारा आकार हो जाएगा 10 और जब इसी 15 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा वर्ग का आकार हो जाएगा 20, यानी कि दूसरा वर्ग आकार हमारा हो जाएगा 10 से 20। इसी प्रकार 25, 35, 45 और 55 में भी हम 5 को पहले घटाएंगे और उसके बाद 5 को जोड़ेंगे तो हमको वर्गांतर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 प्राप्त हो जाएगा। आवृत्ति प्रश्न में दी गई है 4, 6, 10, 7, 3 और 2। इसके आधार पर हम संचयी आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। 4, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32। यहाँ हमको n प्राप्त हो गया 32। पद आकार यहाँ पर हम निकाल लेंगे 32, n/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16वां पद। 16वां पद अगर हम देखें तो संचयी आवृत्ति 20 में सम्मिलित है। अपने फॉर्मूले में इसका मान रखने के लिए हम, क्योंकि 20 जो संचयी आवृत्ति है उसमें ये पद आकार सम्मिलित है, अतः माध्यिका वर्ग जो है वो 20 से 30 को लिया जाएगा। L1 20 माना जाएगा, L2 30 माना जाएगा, फ्रीक्वेंसी यानी F हम 10 को लेंगे और C जो है वो इसके एक पहले की संचयी आवृत्ति होती है, मतलब 10 होगी। इस पूरे मान को जब हम सूत्र में रखेंगे तो M बराबर 20 - 30 - 20/10 गुणित 16 - 10, 20 - 10 / 10 गुणित 6 यानी 20 - 6 = 26। इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यिका मूल्य 26 प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार मध्य मूल्य दिया होने पर हम उसे परिवर्तित कर लेते हैं वर्गांतरों में और फिर बहुत आसानी से माध्यिका की गणना हम कर पाते हैं। अब आइए देखते हैं वो कंडीशन जब संचयी आवृत्तियाँ दी हो, जैसे कि हमने समांतर माध्य में भी देखा था कि कई बार संचयी आवृत्तियाँ दी गई होती हैं। प्रश्न जो होते हैं उनकी जो श्रेणियाँ होती हैं वो कई बार पूरी जानकारी वहाँ ना देके कुछ निश्चित शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसमें से अधिक वाली श्रेणियाँ दी गई हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं, तो किस प्रकार हम इस श्रेणी को व्यवस्थित करेंगे और फिर मीडियन कैलकुलेट करेंगे, आइए एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। संचयी आवृत्ति से माध्यिका की गणना करने के लिए
प्रश्न में शून्य से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक इस तरह की जानकारी दी गई है। छात्रों की संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम वर्ग की दोनों सीमाओं को स्पष्ट कर लेंगे और उसके बाद हम वर्ग आवृत्ति निकालकर माध्यिका की गणना करेंगे। यहां पर आकार ज्ञात करने के लिए अंतर हम देखेंगे शून्य से अधिक और उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60 सभी में 10-10 का अंतर है, यानी कि वर्गांतर में हम यहाँ पर 10-10 का अंतर रखेंगे। जैसे शून्य से अधिक मतलब शून्य से 10, 10 से अधिक मतलब 10 से 20, 20 से अधिक मतलब 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। चूंकि प्रत्येक वर्गांतर में छात्रों की संख्या यानी कि आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति को हम पहले व्यवस्थित कर लेंगे। शून्य से 10 की आवृत्ति 8 मान ली जाएगी, 10 से 20 की आवृत्ति में क्योंकि पहले की आवृत्ति शामिल है उसको हम हटा देंगे, यानी कि 18 माइनस 8 10 हो जाएगी। 20 से 30 की आवृत्ति में हम 40 माइनस 18 22 ले लेंगे। उसके आगे की आवृत्ति यानी कि 30 से 40 की आवृत्ति में हम 65 माइनस 40 25 ज्ञात कर लेंगे। 40 से 50 की आवृत्ति में हम 75 माइनस 65 10 ज्ञात कर लेंगे और 50 से 60 की आवृत्ति में हम 80 माइनस 75 करके 5 ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आवृत्ति जो है टोटल एन जो है वो 80 हमको प्राप्त हो जाता है। इस आवृत्ति वाले कॉलम के आधार पर हम CF यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेंगे। 8, 10 धन 8 18, 18 धन 22 40, 40 धन 25 65, 65 धन 10 75 और 75 धन 5 80। M निकालने के लिए हम पद आकार N अपॉन 2 कैलकुलेशन करेंगे, 80 बटे 2 यानी 40वां पद प्राप्त कर लेंगे। अगर पद आकार 40 है तो इसके आधार पर जो हमारी मीडियन क्लास होगी वो 20 से 30 होगी। यहाँ पर L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, F बराबर 22, M बराबर 40 जो हमने प्राप्त किया है और C बराबर 18 प्राप्त हो गया है, जिसे हम फॉर्मूले में रख देंगे। M बराबर 20 धन 30 माइनस 20 बटे 22 गुणित 40 माइनस 18, 20 धन 10 बटे 22 गुणित 22। अगले स्टेप में 20 धन 220 बटे 22 या 20 धन 10 बराबर 30, तो माध्यिका मूल्य 30 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि माध्यिका की गणना किस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में अलग अलग श्रेणी उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए की जाती है। माध्यिका वास्तव में केंद्रीय प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण माप है। इसके अपने कुछ गुण और दोष भी होते हैं। आइए देखते हैं कि माध्यिका के कौन कौन से गुण और दोष होते हैं। माध्यिका के गुणों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी सबसे पहली विशेषता या गुण हम कह सकते हैं कि ये काफी सरल प्रक्रिया है। जैसे हमने देखा कि व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में तो हम लगभग सेम फॉर्मूलों का ही प्रयोग करते हैं। लगभग जो व्यवस्थीकरण की प्रक्रिया है यानी आरोही अवरोही क्रम में जमाने की, वे सभी श्रेणियों में वो भी सेम है, तो ये कहा जा सकता है कि एक सरल प्रक्रिया है। दूसरे हम इसके गुणों की बात करें तो ये निश्चित होती है, यानी किन किन विधियों के द्वारा किन किन श्रेणियों में किस तरह से निकालना होगा, ये अपने आप में पूरी प्रक्रिया इसकी व्यवस्थित और निश्चित होती है। कहा जा सकता है कि छोटी जो श्रेणियां हैं, बहुत, जैसे हमने देखा कि व्यक्तिगत श्रेणियां, जैसे मैंने पहले उदाहरण में बताया, वहां पर आप एक बार देखने से ही सिर्फ उसको चूज कर सकते हैं, निरीक्षण के द्वारा बता सकते हैं कि ये जो संख्या है वो मीडियन है, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर समंक मालाएं जो है वो छोटी है तो हम बहुत आसानी से ओरली भी हम मीडियन निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक बिंदु रेखा प्रदर्शन में भी हम
ऊपर के बिंदु और नीचे के बिंदु के बराबर बराबर अंतर को अलग अगर अलग करें और बीचों बीच कोई बिंदु लें, तो बिंदु रेखीय प्रदर्शन के आधार पर भी हम बहुत आसानी से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर विश्लेषण की बात करें तो इसमें इतने सारे फॉर्मूले और स्टेप्स और इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं कि बहुत आसानी से हम चाहें तो इनका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो थी गुणों की बात। अब अगर दोष की बात करें तो अपने कुछ छोटे मोटे इसमें दोष भी हैं, जैसे कहा जा सकता है कि पदों को व्यवस्थित करना, फिर पहचानना और उसके आधार पर फिर उनमें प्रक्रियाओं को आरोपित करने कि किस प्रक्रिया के द्वारा हम यहाँ पर मीडियन की कैलकुलेशन करें, ये अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जटिल और समय ज़्यादा लगने वाली प्रक्रिया है, यह कहा जा सकता है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि बीजगणितीय विवेचना कहीं ना कहीं इसकी असंभव है, क्योंकि माध्य या माध्यिका के आधार पर हम औसत सारी प्रक्रिया तो निकाल लेते हैं, लेकिन बीजगणितीय विवेचना यहाँ पर अभी भी असंभव बनी हुई है। अगर निष्कर्षों की बात करें तो हम कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा कि दोनों ओर छोटे या बड़े जो नंबर्स होते हैं एग्जैक्ट बीचों बीच है ऐसा नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं निष्कर्ष भी भ्रामक हो सकते हैं। तो ये तो थी इनके गुण दोष की बात। इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार माध्यिका की गणना अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग फॉर्मूलों और अलग अलग विधियों के आधार पर करते हैं। आगे आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि क्या है मोड यानी कि बहुलक और क्या है उसकी गणना विधि।